हाँ, दीनी तालीम के अतबार से भी अच्छा है, यानी इस्लामिक स्टडीज़ भी है। यानी अगर मेरे बच्चे को अगर आप एक तागा भी दे देंगे तो वो उससे क्या करेगा, ए बनाएगा, बी बनाएगा, ये सी बन गया, ये डी बन गया। यानी कुछ भी है कि उसको खेलने के लिए मैं घर में देता हूँ तो वो उससे भी अपनी तालीम बताता है। मुझे पिछले 2 साल से हम लोग इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल से जुड़े हुए हैं और मेरा पूरा ख़ानदान, मेरे भाई से लेकर बहन, तकरीबन 90% सब स्कूल फील्ड से है। हमारे स्कूल खुद के स्कूल से है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जफर खान Z9 में आप सबका इस्तेमाल करता हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल। आज यहाँ पर इसका इस्तेक़बाल-ए- रमज़ान और ग्रेजुएशन डे की सेरेमनी यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं बच्चे अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों को अवार्डों और सर्टिफिकेटों से नवाजा भी गया है। और इंटीग्रेट स्कूल जो ऐसा है जहाँ पर बच्चों की तालीम के लिए पूरी मेहनत करते हैं, वो पूरा स्टाफ हो या फिर पूरे मैनेजमेंट डायरेक्टर, पूरे हर वक्त बस यही लगाता है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छी से अच्छी तालीम दी। तो हर स्कूल का, जैसे कि मैंने बताया कि हर स्कूल का एक दिन आता है जो एनुअल डे, जो आप पूरे स्कूल का प्रेजेंटेशन देना होता है। तो यहाँ पर जब आए हैं तो पेरेंट्स भी देखकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर यहाँ के जो जिम्मेदार है, जो डायरेक्टर है, जो प्रिंसिपल है, उनसे हम बात करते हैं। सीईओ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि वो आज के दिन वो क्या अपडेट्स लेकर आए और आने वाले जो ओपन एडमिशन्स है उसके लिए क्या अपडेट्स भी लेकर आए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मंजर इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल टोली चौकी का इस्तक़बालिया रमज़ान और कॉन्वोकेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जिसमें सारे बच्चे काफ़ी इन्वॉल्वमेंट के साथ हर बच्चे को यहाँ पे रिकग्नाइज किया जा रहा है। इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल जो है ना, ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, एमर्जिंग ग्रुप ऑफ स्कूल्स है। माशाल्लाह से यहाँ पे जो है ना एक होलिस्टिक वे में हम उनको लीडर्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे खाली एक यानी मार्क्स 10 by 10, 100 by 100 ऐसी किस्म की तालीम यहाँ पर, वो मार्क्स के अलावा और कई चीज़ें हम यहाँ पे सिखाते हैं। यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मतलब उनको स्पोर्ट्स में भी, उनके इवेंट्स, कई इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको बाहर फील्ड ट्रिप भी लेके जाते हैं। मार्शल आर्ट्स है यहाँ पे, ये देख रहे हैं यहाँ पे कितना बेहतरीन यहाँ पे वेल इक्विप्ड स्पोर्ट्स है, यहाँ पे गेम्स भी हैं, यहाँ पे अंदर भी राइफल शूटिंग है और सॉकर है हमारे पास। हर चीज़ यहाँ पे यानी फ्यूचर लीडर्स की तैयारी हो रही है यहाँ पे, और दीन और दुनिया की दोनों की भी तालीम है। इकरा टाइप का सिलेबस है यहाँ पे, एक्सीड और वन लर्न, बल्कि इंटरनेशनल टाइप का हमारे पास करिकुलम भी हम फॉलो करते हैं। यानी हमारा फोकस जो है ना बच्चों को एक बजट टाइप ऑफ स्कूल में मगर बेहतरीन आला मेयारी तालीम देते हुए एक होलिस्टिक लीडर्स टाइप ऑफ देते हैं। हमारे ब्रांचेज जो है ना, हमारे स्कूल्स टोली चौकी के अलावा हमारे पास में आगापुरा में भी है और संतोष नगर में है वहाँ पे, और मौलाली में भी है, निज़ामाबाद और हनमकंडे में भी है। चलो और भी बढ़ेंगे इसको, और भी हमारी जो ख्वाहिश है कि बेहतरीन तालीम आम हमारे जो कौम के लोग बच्चे हैं और अच्छी से अच्छी तालीम का उनको एक्सपोज करें और फ्यूचर लीडरशिप उनमें क्रिएट करें। देखिए रमज़ान जो है ना, हम इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आए, वो खुश नसीब है जिसको रमज़ान मिले, तो उसके लिए तैयारी करना होता है। उसके लिए रमज़ान के बारे में जो है ना, अगर हम सेंसिटाइज करें उन लोगों को, बच्चों को और बड़ों को, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को, सभी लोगों को, तो वो लोग रमज़ान का जो है ना बेहतरीन फ़ायदा, उसका मुफीद फ़ायदा उठाने की वो लोग जो है ना पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आज जो है ना रमज़ान बहुत करीब है। जस्ट इन ए फ्यू डेज़ वी आर एंटरिंग अनदर न्यू एरा ऑफ द रमज़ान। उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं, ये ज़रूरी है क्योंकि उसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। इसलिए इस्तक़बाल या रमज़ान, और ये भी हम फोकस कर रहे हैं कि एकेडमिक फंक्शंस के साथ साथ में हम दीनी फंक्शंस पे भी पूरा हम फोकस करेंगे। इस तरीके से हम एक 10-15 दिन पहले सारे बच्चों को जो है ना अज़ान का कंपटीशन दिया है। अज़ान का कंपटीशन मतलब एक अज़ान की प्रैक्टिस ही नहीं, बल्कि एक माइक लेके सामने जाके स्टेज पे खड़े के देना जो है ना, बहुत ही रेयर प्रैक्टिस है। अगर 500 आदमी की अगर मस्जिद में ठहरा करें, कितने लोग अज़ान देने के काबिल होते हैं। एक लीडरशिप स्किल भी है, एक पर्सनल डेवलपमेंट भी है। इस तरीके से हम ओवरऑल हम डेवलपमेंट करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट है, और कई किस्म के हम स्किल्स भी डेवलप करते हैं। हमारे पास में एक रेयर, हमारे पास में अलग डिपार्टमेंट भी है जो काफ़ी स्कूल्स में नहीं होता है, काउंसलिंग डिपार्टमेंट है। हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं, कैसे हैंडल करें बच्चों को, तो उनके पेरेंट्स परेशान होते हैं बच्चों को कैसे हैंडल करें, उनकी काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। लड़कियां जब बड़े होते हैं तो क्या मसाइल होते हैं उनके, और उनके पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हम होलिस्टिक डेवलपमेंट में फोकस करते हैं। जी हमारे पास में जो है ना एक्सीड है, एक्सीड बोल के एक इंटरनेशनल करिकुलम है। उसके बाद में हमारे पास वन लर्न है, जो डिजिटल वो पूरा बताते हैं हम लोग। उसके अलावा हमारे पास में काउंसलिंग्स है और काफ़ी ट्रेन टीचर्स हैं, और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हमारा बहुत स्ट्रांग डिपार्टमेंट है। रिसर्च डिपार्टमेंट हमारे पास में काफ़ी एक सेपरेट सा, एक हमारे पास में कंसल्टेंसी एक अलग डिपार्टमेंट है, जो टाइम टू टाइम उनका डेवलपमेंट, उनका करिकुलम चेंजेस, उनके इवेंट्स वगैरह सब हम मॉनिटर करते हैं, जो दूसरे स्कूलों से मुख्तलिफ है हमारे पास में। जी। तो इस बारे में ऑलरेडी हमारे पास में वन लर्न बल्कि हमारे पास में एक सिलेबस है, ऑलरेडी डिजिटल सिलेबस है उसको, और दूसरी तरफ भी हम डिजिटलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। इसमें देखिए हम जो है ना ऑलरेडी हम एडमिशन्स के लिए ओपन किए हैं, अभी अलहमदिल्ला अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, क्योंकि अर्ली बर्ड के लिए हम फरवरी मार्च में जो भी एडमिशन आ रहे हैं उसके एडमिशन फीस उसको यानी टोटली वेव ऑफ कर देना उसके लिए, और उसके लिए गर्ल चाइल्ड के लिए भी है। और हमारे पास में जो भी स्कूल है वो एरिया में जो भी मौजन है और इमाम है उनके बच्चों के लिए भी हम सेपरेट उनके लिए कंसेशंस रखे हैं, और गर्ल चाइल्ड के लिए भी कंसेशंस रखे हैं, अर्ली बर्ड कंसेशंस है, काफ़ी इस किस्म के हम अट्रैक्शन रखे हैं बच्चों के लिए। मैं अपील करता हूँ कि आके देखें, हमारे पास में देखें, इंटरेक्ट करें, या बच्चों को यहाँ पर सेफ हैंड्स में रखें, जहाँ पर बाहर जो है ना हमको आजकल डर रहता है कि कैसे हाथों में जाएँ बच्चे, यहाँ पर दीन और दुनिया दोनों का भी यहाँ पे संगम है, यहाँ पे दोनों की तालीम भी यहाँ पे दी जाती है। ये एडमिशन हम जून जुलाई तक करेंगे, अगर चाहे फुल हो गया तो हम क्लोज करने के उसको जल्दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम फातिमा सत्ता, वाइस प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रल फाउंडेशन स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह टुडेज प्रोग्राम वी वांटेड टू फेलिसिटेट द स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी फील्ड व्हाटएवर इवेंट्स वी हैव कंडक्टेड इन दिस स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह द स्टूडेंट्स हैव टेकन एन एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड आवर मेजर perspective of giving this felicitation to the students was to encourage them not just getting awarded but to participate as well, and the parents really have taken an advantage of this platform and have taken an active participation. Integral Foundation School has always seen beyond the perspectives of the parents, and alhamdulillah in educating the students and training the teachers is their motto, and the school motto is learn to lead and serve to serve. आइए इस स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स से कुछ लड़कियां हैं उनसे हम जानते हैं। बेटा आपका नाम बताएं। मैं फातिमा। कौन सी क्लास में आप? 10th। कितने साल से आप स्कूल से जुड़े हैं, कब से पढ़ रहे हैं आप? ये चेयर आई मैं इनो है पहले से 6th से इनो। आपको कैसा यहाँ पे तालीम दी जा रही है? बहुत अच्छी, बहुत खुश हूँ। कैसा लग रहा है ये एनुअल डे ये सेलिब्रेशन मनाया? बहुत अच्छा दिख रहा है, लाइक पहली बार हम लोग का फेयरवेल हुआ, फेयरवेल 3 बजे हुआ था, लेकिन ग्रेजुएशन डे तो बहुत खुश है हम लोग आज। बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आपका नाम बताइए। आफिया खातून। कौन सी क्लास? 10th है। कब से आप स्कूल में? 2019। कैसा आपको तालीम कैसा मिल रही है? माशाल्लाह अच्छी मिल रही है जी, अच्छे टीचर से बिहेव अच्छा करते हैं, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। आज इस ग्रेजुएशन डे में कैसा लग रहा है आपको? अनएक्सपेक्टेड था ग्रेजुएशन, तो लाइक बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक सरप्राइज टाइप मिला, तो फिर बहुत मजा आ रहा है। हाँ अच्छा, फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं आप? साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट जी, क्यों? लाइक वो देखिए फिजिकली हील करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, बट मेंटली हील करना वो एक अलग टैलेंट है, तो फिर उसके लिए साइकोलॉजिस्ट बनना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा मजहर है। आप कौन सी क्लास में? मैं 8th में हूँ। सो मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक इतना अच्छा स्कूल है और बहुत अच्छी तालीम मिल रही है मेरे को, और एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिल रही है, इस्लामिक नॉलेज भी मिल रही है, और मैं बहुत खुश हूँ इस स्कूल में आने के लिए। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? ओके, आई वांट टू बिकम अ लॉयर बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मेरे पास वो गट्स है जो मैं कर सकती हूँ, तो शायद इंशाल्लाह मैं करूँगी। हाँ बिल्कुल, देख रहा हूँ आप मेरा लोगो भी ले लिए हैं, आपके पास वो गट्स है इसीलिए मैंने आपको दे दिया है। जज़ाकल्लाह। दुआ करते हैं कि आप बिल्कुल लॉयर बने और सबके लिए हक के लिए लड़े और ऐसे ही आगे बढ़े। आइए और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आइए, आपका नाम बताएं। मेरा नाम रानिया हानिन है, मैं 8th की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पर मेरा 3rd ईयर है, बट माशाल्लाह मैं इतना लकी फील कर रही हूँ स्कूल में आके, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लाइक बढ़ गया, और मेरे को इस्लामिक नॉलेज मिले, साथ में जनरल नॉलेज भी मिली, टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, वो लोग अगर डाउट्स भी है तो अच्छे से एक्सप्लेन करते समझाते, और लाइक यहाँ पर बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स भी मिलते हैं आपको, और बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकते हैं आपको। स्पोर्ट्स आप कुछ कई सारे स्पोर्ट्स में भी आके बढ़ सकते हैं। हमारे पास कराटे सर है जो हम लोग कराटे प्रैक्टिस कराते हैं, टेबल सॉकर है, कई सारे स्पोर्ट्स है। सो ओवरऑल हम लोग स्कूल से बहुत खुश है। बहुत खुश है, आपकी ये बातों से लग रहा है आप काफ़ी खुश है, और जो आप कॉन्फिडेंस की जो बात की है आप में वो कॉन्फिडेंस है, तो ऐसे ही बच्चे देखिए आपके अगर ऐसे स्कूल से जुड़ जाएंगे तो ये कॉन्फिडेंस ये लेवल जो आप देख रहे हैं, इनके ख्वाब इनके जो सपने हैं तो वो पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे इसी तरह से बड़े आगे बढ़े। तो आइए एक और है वो भी कहना चाहती है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम शाइस्ता फातिमा है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। एंड ये स्कूल स्कूल में बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं एंड उन लोग हैं सो बहुत कुछ फ्रीली पढ़ाते हैं बच्चों को, सो सॉफ्टली बात करने का तरीका बहुत अच्छा रहता है उन लोगों का। एंड एग्ज़ाम्स का टाइम मैं फील भी नहीं होता है कि बहुत बच्चों को फील होता है कि बहुत हार्ड है, टफ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, बट इधर ना वैसा नहीं होता ज़्यादा। मेरे हिसाब से तो मेरे को फ्री फील होता है, एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा प्रेशर दिखता नहीं, बिकॉज वो टीचर्स क्लासेस के टाइम तक तो पूरा अच्छा बच्चों को पूरा कवर अप कर देते सिलेबस। एंड अभी भी हमारा पर कवर हो गया सिलेबस। माय नेम इज सुमैया जुनैद, 8 क्लास। बताइए आप कैसा लगा? आई लाइक दिस स्कूल, टीचर्स की पढ़ाई बहुत अच्छा कराते हैं, हर एक चीज़ अच्छा पढ़ाते हैं और ऐसे जो कंसंट्रेशन हम लोग करते हैं वो भी अच्छा है और टीचर्स जो भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर करते हैं, ये सब अच्छा है इसको। आप आगे बढ़ के आपके फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं आप? पुलिस में। पुलिस क्यों? आई लाइक दैट। माय नेम इज सारा हसन। कौन सी क्लास में? आई एम स्टडीइंग इन ग्रेड 8 है। It is very nice. It has programmed very well. We got many certificates also. Before that, our school conducted a social science fair. It was also very nice. The models were very innovative. It was working models. It was very nice. The school is nice. Their studies is good also. And we play here also. We play football, cricket. It's very nice. We have fun in this school. Future में क्या बनना चाहती हैं? I wanna be a doctor or a surgeon. Doctor क्यों? Because I wanted to do it. My father wanted to make me a doctor. बच्चे की पढ़ाई कैसी हो रही है, क्या नहीं हो रही, बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स से पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब तक मुतमईन नहीं होते हैं तब तक वो स्कूल के पढ़ाई के बारे में वो नहीं बता सकते कि वो स्कूल कैसा है, किधर क्या कैसी पढ़ाई हो रही है। तो कुछ पेरेंट्स हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके चेहरों से जो खुशी झलक रही है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश है। सर, आपके बच्चे इंटीग्रल स्कूल से कब से जुड़े हैं और आप कब से पढ़ रहे हैं वो, और आपको कैसा लग रहा है? 2 साल से पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा ही पढ़ा है। कौन सी क्लास में आपके लड़के? एक 4th में है, एक PP2 में है और एक PP1 में है। 3 बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चे हैं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। पहले जो स्कूल में पढ़ते थे, जो भी स्कूल में, तो वहाँ से यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आपको फ़र्क दिखा? पहले तो कोरोना की वजह से थोड़ा डिफ़िकल्टी हुई थी बच्चों को, लेकिन कोरोना के बाद उन लोगों को ना थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत थी, स्पेशली राइटिंग के लिए, तो उसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे उनको एडमिट किया। तो अब बेहतर है कोरोना के बाद से। कोरोना में बच्चों को ना राइटिंग की प्रैक्टिस चली गई थी, बिकॉज दे आर मोर इंटरेस्टेड ऑन फोकसिंग ऑन द ग्राफिकल डेटा एंड जस्ट टाइपिंग द थिंग्स, तो नाउ दे आर फोकस्ड ऑन राइटिंग। राइटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। आपके बच्चों को आप क्या बनाना चाहते हैं? अभी तो कुछ सोचे नहीं, तो बच्चों जो भी आपके बच्चे को बनाना चाहते हैं तो वो इस तालीम में हासिल करके बन सकता है, इंशाल्लाह बन सकते हैं। खुशी हुई सर। सर आप बताइए, आप जो अभी मैंने जो पूछा है कि आपके बच्चे भी इससे पढ़ रहे हैं, तो कब से पढ़ रहे हैं, कब से जुड़े हैं और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, मेरा लड़का PP2 में है और पिछले 2 साल से हम लोग इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल से जुड़े हुए हैं और मेरा पूरा ख़ानदान, मेरे भाई से लेकर बहन, तकरीबन 90% सब स्कूल फील्ड से है। हमारे स्कूल खुद के स्कूल से है। तो मैं इंटीग्रल फाउंडेशन में ये देख रहा हूँ कि ये लोग जो बच्चे की सोशल लाइफ है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे एक्टिविटीज़ करवाना, साइंस एग्जीबिशन है और अजान कॉम्पिटिशन, ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, जिससे बच्चे में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। और पिछले स्कूल का मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ, कम्पेयर टू पिछले स्कूल से यहाँ पर दीन और दुनिया दोनों जो एजुकेशन होती है ना, आज के जो करंट दौर में जो रिक्वायरमेंट है वो IFS फुलफिल कर रहा है। अभी आपके बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बैंकर हूँ। मैं पिछले 20 साल से बैंकिंग फील्ड में हूँ, इंडिया में भी बैंकिंग फील्ड में, सऊदी अरब गया वहाँ पे भी बैंकिंग फील्ड में ही हूँ। अब मैं बच्चे को जो पढ़ना चाह रहा, वो जो बनना चाह रहा, इस चॉइस तो वो जो भी बनना चाह रहा है उसके लिए तालीम बहुत अच्छी है, उसकी तालीम बहुत ज़रूरी है और IFS इज़ द राइट स्कूल आई कैन से। थैंक यू सो मच सर। तो आइए एक और पेरेंट है हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं कि आपका बच्चा कब से इसकी स्कूल से जुड़ा है और वो आप कैसी रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? 2 साल से जुड़ा हुआ है, जुड़े हैं हम इस स्कूल से, इंटीग्रल फाउंडेशन से, PP1 और PP2। PP1 में पहले बच्ची को मैं एडमिशन कराया था, सेकेंड अब बच्चे को भी एडमिशन कराया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुतमईन है हम इस स्कूल से और 2 साल से। इसकी खसूसियत यह है कि टीचर्स अच्छे हैं यहाँ पे, काबिल टीचर्स है और मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि आप कोई शिकायत रखते हैं तो विद इन 2-3 डेज़ में जो है ना मसला आपको सॉल्व कर दे। अच्छा है। हाँ, दीनी तालीम के अतबार से भी अच्छा है, यानी इस्लामिक स्टडीज़ भी है। और अभी PP1 PP2 का जो तजुर्बा रहा है मेरा अपने बच्चों के साथ, वो यानी कि इस स्कूल के टीचर्स जो है ना बच्चों को क्रिएटिव, यानी अगर मेरे बच्चे को अगर आप एक तागा भी दे देंगे तो वो उससे क्या करेगा, A बनाएगा, B बनाएगा, ये C बन गया, ये D बन गया, यानी कुछ भी एक उसको खेलने के लिए मैं घर में देता हूँ तो वो उससे भी अपनी तालीम बताता है मुझे। तो इस एतबार से इसे उस्ताद के काबिल झलक थी। इससे तो टीचर्स जो है ना काबिल है, मैनेजमेंट भी अच्छा है। मैं कई मरतबा कई चीज़ों में शिकायत भी किया हूँ स्कूल से, तो फ़ौरन जो है ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, रिस्पांस दिए आप। और एक खसूसियत ये है कि इस स्कूल के आप नीचे के मैनेजमेंट के नीचे के आदमी से लेकर ऊपर तक किससे भी मिलना चाहो मिलता है, आप जिससे मिलना चाह रहे टाइम लेके मुलाकात कर सकते। अच्छा है। इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल जो आज के यहाँ पर इसमें इस्तेक़बाल रमज़ान और साथ ही साथ ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑफ 2024 का जो यहाँ पर प्रोग्राम था, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। बच्चों ने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया है तो जो उनके जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं उन्होंने देखकर काफ़ी उसको खुश हुए हैं। और पेरेंट्स भी हम यही कहेंगे पेरेंट्स से कि ऐसे स्कूल से जुड़ जाइए जो आपके घर के करीब, जो बहुत ही बेहतरीन तालीम, अच्छी तालीम अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए वो देने के लिए पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ कर एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे। जैसा आप लोग सोचते हैं बच्चे इंजीनियर बने, डायरेक्टर बने या फिर कोई ऑफिसर बने, IPS बने, तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसे स्कूल्स में जल्दी जुड़ जाइए। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि जो भी आपके घर के करीब में अच्छी तालीम वाला स्कूल होता है उससे जुड़ जाइए, बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि इस दौर में तालीम बहुत ज़रूरी है। बच्चों के तालीम के साथ साथ घर वालों की तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो बच्चे आपने देखा कि किस तरह से प्रेजेंटेशन दिए और साल के जो हर साल का जो प्रेजेंटेशन स्कूल का होता है वो आज यहाँ पर आपको दिखाई दिया है। तो आप भी इस तरह के प्रोग्राम, कुछ न्यूज़, एंटरटेनमेंट, अपडेट्स या जो भी आप लोग हमारे चैनल के जरिए सारी दुनिया तक दिखाना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल Z9 TV से जुड़ जाइए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ कैमरामैन मुजाहिद के साथ मैं जफर खान आपका दोस्त और होस्ट। देखते रहिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करिए Z9 TV को, फेसबुक इंस्टा पर जरूर फॉलो कीजिए। देखते रहिए Z9 TV, यही सच है।